आरडीडी निदेशक ने शोपिया गांव में किया सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन। आरडीडी विभाग में धन की कोई समस्या नहीं है और अविश्वसनीय गति के साथ अपने विभागीय कार्यों को गति देगा। निदेशक आरडीडी कश्मीर इमामुद्दीन ने शोपिया के वेहिल गांव में एक सार्वजनिक पार्क वाहन का उद्घाटन किया और पार्क का निर्माण वाहन गाँव के केंद्र में किया गया है और यह क्षेत्र के सबसे अधिक आराम चाहने वाले व्यक्तियों में से एक होगा। वेहस पार्क को भी सभी प्रकार के पार्कों के आधुनिक पिरामिड से सुसज्जित किया गया है। कंक्रीट का फर्श, बिजली बेचिंग और बाड़ लगाना। क्षेत्र के स्थानीय निवासी पार्क के निर्माण एवं क्षेत्र में आरडीडी विभाग के कार्य पर अत्यधिक संतोष व्यक्त करते हैं। इस बीच आरडीडी निदेशक ने कहा कि आरडीडी विभाग के पास धन की कोई समस्या नहीं है और स्थानीय लोगों और आवश्यकताओं के अनुसार उच्च गति के साथ जमीन पर उनके विकास कार्य अधिक होंगे। इसके अलावा उन्होंने मां से अपील की है कि उन्हें ऐसे सार्वजनिक पार्कों और सभी सार्वजनिक संपत्तियों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि यह उनके लिए है और उन्हें ऐसे कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। आरडीडी निदेशक वाव के साथ वीडियो शोपिया जहाद आजाद, एसीडीसी शोपिया और आरडीडी के अन्य अधिकारी मौजूद थे। गवर्नमेंट गाइडलाइन कह रही है कि भाई 100 दिन का जो जिसने रोजगार करना है उसको देना है। अभी हमने यहाँ 56 दिन दिए हैं एज पर आवर जो हमने बनाया है 59 कुछ एवरेज आता है, तो इसका मतलब कि हर एक के अभी 41-40 दिन बकाया है, तो वो सारे लोग कर सकते हैं। उतना गैप है हमारे पास और उतने काम नए भी उठेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने और भी अलॉट किया है। एसीडी साहब को डायरेक्शन आ गई है कि और भी काम उठाओ। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज़ 24x7।